में अगर आप एक बेहतरीन एकोमोडेशन की तलाश में हैं, तो आपको इस रिजॉर्ट में ज़रूर आना चाहिए। पॉक्यूपाइन कासल रिजॉर्ट कूर्ग, घने कॉफ़ी प्लांटेशन और बड़े बड़े पेड़ों के बीच बसा है ये रिजॉर्ट। आपको जितना बाहर से ये खूबसूरत लगता है, उतना ही अंदर से शानदार है। यहाँ आप अपनी चॉइस के रूम्स बुक कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रूम्स हैं, तीन टाइप के मेनली। एक तो आप ये देख सकते हैं ट्री हाउस जैसा है, हाँ। एक हमारा है माउंटेन व्यू ना, हाँ। और एक नीचे की तरफ है, वो बिल्कुल नीचे है, वहाँ से व्यू नहीं है ज्यादा। वो एक्चुअली वो फार्म व्यू है, हाँ, बट है हमारे रूम में। और रूम देख के मतलब दिल खुश हो गया, हमारा तीन दिन का स्टे मजेदार होने वाला है। और यहाँ से सारा व्यू भी है, पहले मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये रूम हमने 7,000 रुपये पर नाइट में बुक किया था विथ ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको कॉफी प्लांटेशन का एक टूर मिलता है। ये रूम, और हमें लग रहा था एसी नहीं होगा, बट यहाँ एसी भी है, क्योंकि यहाँ पे उतना ठंडा नहीं है दिन में। ये मतलब बीच में ही है, और यहाँ से सारे जो घूमने के प्लेसेस है उसके लिए 1-1 आवर लगेगा, एंड मंडाल पट्टी जो है वहाँ जाने के लिए 2 घंटा लगेगा। अदरवाइज ऊटी के जैसा यहाँ पे थोड़ी जगह पे स्पॉट्स नहीं है, सिर्फ ऐसा 3-4 स्पॉट्स है घूमने का, और वही चूज करके रखा है हमने, हम बस उतना ही कर। ये देखिए इन्होंने ये कितना कुछ प्रोवाइड किया है, हैंड एंड बॉडी वॉश, शैम्पू, सोप, सीलिंग किट भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, सिलाई करने का सामान एंड मेडिकल किट है, बहुत अच्छा है ये, कॉम्ब है, डेंटल किट है, सेविंग किट है, ये सैनिटरी बैग एंड 2 शावर बैग। सो यहाँ पे एक टिश्यू रोल भी है एंड अ ग्लास, टी कॉफ़ी तो है ही उधर। ये सारे जो इन्होंने किट्स दिया है यहाँ पे, शेविंग किट, डेंटल किट, ये बहुत अच्छा लगा, काम की चीज़ें हैं। और अभी हम यहाँ पे चाय पीने वाले हैं, और ये हमारा व्यू है, होटल से व्यू है, खतरनाक सनसेट पॉइंट है एक्चुअली ये तरह से। दिस इज पॉक्यूपाइन कासल इन कूर्ग। यहाँ का सराउंडिंग एरिया खूबसूरत है। बच्चे लोग खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी इधर, बच्चों के लिए झूले, इन्फिनिटी पूल और गेमिंग रूम भी यहाँ है। यहाँ का डाइनिंग एरिया भी बेहद खूबसूरती से बनाया गया है, खाना भी लाजवाब है। नाला जो खाना है ना, स्नैक्स पूरा प्रोफेशनल है। और चिकन सैंडविच खाओ, कैसा है? लेट मी ट्राई दैट चिकन सैंडविच। सो ये रिसेप्शन का एरिया है, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट का एरिया, जहाँ पे आप डू ब्रेकफास्ट एंड ऑल। और नीचे साइड में यहाँ पे हट है, यहाँ पे भी आप इवनिंग में यू कैन हैव अ डिनर एंड स्नैक्स। और उस साइड में स्विमिंग पूल है, दिखाएंगे आपको हम अभी। ये रेस्टोरेंट का इंटरनल एरिया है, जहाँ पे मॉर्निंग बफेट वगैरह लगता है, बहुत बड़ा है। दिस इज द रिसेप्शन काउंटर, और छोटा सा पॉन्ड है यहाँ पे, यू विल सी टर्टल्स। हम जा रहे हैं अभी एक्टिविटी एरिया की तरफ, जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह था। तो ये लॉन जैसा ओपन एरिया है, यहाँ झूला है, बाद में इवनिंग में यहाँ पे बोन फायर होता है, यहाँ पे बोन फायर और लाइट म्यूजिक होता है। दिस इज द बोन फायर, यहाँ से सनसेट भी हो एक्चुअली, यहाँ से आप सनसेट देख सकते हो।
तो बहुत अच्छा इवनिंग व्यू होता है यहाँ पे। और ये है इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा है, थोड़ा अच्छा है, बड़ा है, क्लीन है पूरा। और यहाँ से आपको स्विमिंग पूल से छोटे मज़ा है आपको यहाँ से मिलेगा उस साइड का सनसेट का। और आप इवनिंग में आ रहे हैं तो आप बस नहाओ और सनसेट भी देखो, है ना। हाँ। बहुत अच्छा है ये। तक है, ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट है ये पूरा, देखो आप देख सकते हो। आप पीछे म्यूजिक भी सुन सकते हो चिड़ियों की। पूरा नेचर, हाँ, जंगल में है, आजू बाजू में आपको कुछ बिल्डिंग भी नहीं दिख रहा होगा, कोई पूरा नेचर रिजॉर्ट है, पूरा नेचर है। कुर्ग में मोस्टली हमने देखा है अच्छे वाले जो रिजॉर्ट्स हैं सारे वो ऐसे ही है, नेचर में है, अलग अलग आइसोलेटेड प्लेसेस में। एंड इसमें हमने स्टे किया एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट भी है। और आप लोग, हम लोग करेंगे रिकमेंड आप यहाँ पे आइए। और अगर आप कुर्ग में आ रहे तो दिस इज द बेस्ट वन टू स्टे हियर फॉर द लॉन्ग पीरियड फॉर दोज इंडियन जगह, तो रह सकते हो। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सो कॉफ़ी टूर भी होता है विच इज अर्ली मॉर्निंग। हाँ, तो हम लोग कल करेंगे, आपको दिखाएंगे वो भी। दिस इज इंडोर एक्टिविटी सेक्शन, बहुत कुछ है यहाँ पे, जिम भी है, कैरम। यहाँ स्टाफ्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपका और आपकी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। मॉर्निंग कॉफ़ी प्लांटेशन टूर हर सुबह 7:20 पे दिया जाता है। इसमें आपको कॉफ़ी और यहाँ उगने वाली कुछ स्पाइसेस जैसे कि पेपर्स के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाती है। इसको यूज़ करते हैं माचिस के लिए, माचिस बहुत सॉफ्ट है। हाँ, ये क्या है इस पर? फर्स्ट टाइम आना पड़ा हम लोग, पेड़ यूज होता है माचिस के लिए, ऐसे दिखता है पेड़ इस तरह से, पीपल टाइप का ना। काफ़ी प्लांट जो हमें पता भी नहीं है, जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे ना ब्लैक पेपर है ये, अभी ये मतलब बोलते हैं ना अभी रेडी नहीं हुआ है। ये पूरा कॉफ़ी का खेती है, इसका नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि यू नो बर्फ पड़ गया ना। इधर भी ऐसे है पूरा ऊपर तक, जितना भी प्लांट्स वगैरह सब ऐसा ही है। बाय हाय। तो दोस्तों, ये ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था कॉफ़ी टूर का। और यहाँ पे ऐसी ऐसी वैरायटी कॉफ़ी जो हम लोगों को बतानी थी, हम लोग फर्स्ट टाइम दिख रहे थे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ स्टे कंफर्टेबल और हमारा एक्सपीरियंस बेहतरीन था। तो ये था हमारा वीडियो पॉक्यूपाइन कासल रिजॉर्ट पे। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।